हेलो फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ अपना सोडा मशीन वलसाड गुजरात से। ये हमारा 6+2 का सोडा फाउंटेन मशीन है। ये मशीन के अंदर 2 फ्लेवर आपको जूस वाला मिलेगा और 6 फ्लेवर आपको गैस वाला मिलेगा। अभी ये हमारे कस्टमर है वो आपको फिलिंग करके दिखाएंगे गिलास भर के। ये अभी हमने कोला फ्लेवर निकाला है। हम अभी एक एक करके सभी को चेक करेंगे। कोला वाले हम टेस्ट कर लेते हैं पहले। बहुत बढ़िया टेस्ट है। मेरा मन करता है मैं पूरा खत्म कर दूं, पर मुझे पहले बाकी सब फ्लेवर्स भी टेस्ट करना होगा, इसलिए मैं सब नहीं पी सकता। सर जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम अल्फ्रेड है। मुझे ये सोडा मशीन बहुत पसंद है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ओरिजिनल लगता है, और ना ही एकदम मीठा और ना ही एकदम फीका, एकदम बीच का परफेक्ट टेस्ट। आप एक बार पियोगे तभी आपको समझ में आएगा कितना बढ़िया इसका टेस्ट है। अब हम ऑरेंज फ्लेवर को चेक करेंगे। ये देखो, हमने पूरा ग्लास भरा है, ऊपर अच्छा बबली फ्लेवर आता है, बढ़िया, एकदम मिरिंडा या ऑरेंज जो टेस्ट होता है उसके जैसा ये टेस्ट है। मैं सामने रख देता हूँ। अब हम देखेंगे लेमन फ्लेवर। इसे भी पूरा भर दिया, बहुत ही फ्रेश टेस्ट है। अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो और आप क्रिकेट खेलकर वापस आए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत थकान हो रही है, दुकान पर आ जाइए, ये लेमन फ्लेवर एक बार टेस्ट कर लेना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही स्वीट है और बहुत ही एनर्जी है। अब हम मसाला फ्लेवर देखते हैं। जीरा मसाला एकदम, ये जीरा मसाला एकदम बढ़िया टेस्ट है। आपने देखा होगा बॉटल में आता है वही वाला। हम चेक करते हैं ये फ्रेश बनाया हुआ इसका टेस्ट कैसा है। ये देखो, बाप रे, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया टेस्ट। इसे आप अगर लंच के साथ या डिनर के साथ पी लोगे तो आपका हजम भी हो जाएगा खाना, इतना बढ़िया टेस्ट है इसका कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ बहुत ही टेस्टी चीज पिया है। बहुत ही स्वीट, बहुत ही मसालेदार फ्लेवर है इसका। अब हम ब्लूबेरी फ्लेवर चेक करते हैं। बढ़िया टेस्ट है। इससे मुझे ब्लूबेरी केक का याद आता है, उसका भी टेस्ट एकदम स्वीट होता है, क्रीमी होता है। उसी तरह इस सोडा का भी फ्लेवर बहुत ही क्लीन है, बहुत ही स्वीट है, और मेरे हिसाब से बच्चे लोग के लिए एकदम टेस्टी, उनको बहुत पसंद आएगा ये फ्लेवर। अब हम फ्रूट बियर फ्लेवर चेक करते हैं। ये आप टेंशन मत लीजिए, ये सभी पी सकते हैं, भले इसका नाम फ्रूट बियर है, इसमें ना ही फ्रूट है ना ही बियर है पर टेस्ट बिल्कुल बढ़िया है। मैंने एक बार इससे पहले पिया था पर कहाँ और अभी चेक करते हैं कि इसका टेस्ट उससे बढ़िया है कैसा है। इसका झाग कैसे देखो, ओरिजिनल बियर जैसा झाग हो रहा है इसके अंदर। उसी के बारे में मैं अभी बात करने वाला था। बस मैंने आधा ग्लास निकाला और इसका जो झाग एकदम ऊपर तक आ गया। अगर आपको पसंद है पीना या आपको टेस्ट पसंद है तो ये बिल्कुल चेक कर लेना एक बार, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। अब हम मैंगो बियर मैंगो फ्लेवर चेक करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका, बिल्कुल फ्रूटी के तरह इसका टेस्ट है। ये देखो, मैंने पूरा ग्लास भर दिया है अभी, और हम अभी फ्रूटी के टेस्ट को चेक करेंगे कैसा है। मैंगो जैसा इसका टेस्ट है मुझे कहा गया था, हम चेक करके एक बार देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। बाप रे, एकदम मैंगोला या स्लाइस या माजा उसकी तरह इसका टेस्ट है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आप जरूर इसको, और कुछ आप चेक नहीं करो तो इसको एक बार जरूर टेस्ट कर लीजिएगा, बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। ये बहुत ही स्वीट है, एकदम
आपूस आम जैसा होता है उसके तरह इसका टेस्ट है, ओरिजिनल एकदम। बिल्कुल इसे एक बार आप टेस्ट कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है। मुझे तो लगता है इन सब में से सबसे, वो कहते हैं ना, सबसे जो बढ़िया चीज़ है वो लास्ट के लिए हम रखते हैं, ऐसी ही बात हो गई है। जो मैंगो फ्लेवर है बिल्कुल सबसे बढ़िया फ्लेवर, इसे आप ज़रूर एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। सर आपको सब फ्लेवर बनाना सिखा दिया हमने, आपको सब फ्लेवर बनाना सिखा दिया आपको? बिल्कुल, सभी फ्लेवर हमने एक बार बना चुके हैं। हर फ्लेवर का एक पैकेट आता है, एक लिक्विड फ्लेवर आता है और पाउडर फ्लेवर आता है, उसे हम मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स करना होता है और फिर कैनिस्टर में डालते हैं। सभी फ्लेवर्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और फूड ग्रेड के फ्लेवर्स है। सो बिल्कुल सबसे एकदम इजी है ना फ्लेवर बनाना, इजी है ना एकदम नहीं बोलेंगे फिर भी 3 से 4 मिनट में फ्लेवर तैयार हो गया था, उसे हमने मिक्स किया था, उसमें जरा टाइम जाता है ताकि जो शक्कर का जो कण होता है उसे एकदम सही समान तरीके से पानी में घोल मिल जाना चाहिए, बस उस चीज के लिए हमने और टाइम दिया, लेकिन एकदम फटाक से फ्लेवर तैयार हो गया, डाल दिया हमने और अभी हम सोडा पी रहे हैं। अभी अंदर का दिखा देते हैं, आ जाइए। देख सकते हो पूरे स्टील बॉडी में हमारा मशीन है और सब फ्लेवर टैंक भी एस एस के 304 SS में सब फ्लेवर टैंक दिया हुआ है, देख सकते हो। और ये मशीन के साथ CO2 गैस सिलेंडर है, इनबिल्ट वाटर टैंक वाली मशीन है हमारी। मशीन के साथ ही आपको पानी का टैंक अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, ये आपने इधर 20 लीटर का जार उल्टा रख दिया तो जितना मशीन पानी लेगा वो जार खत्म होने के बाद दूसरा जार लगाना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना सोडा मशीन वलसाड गुजरात। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।